एवरीवन, दिस इज शानू अरोरा, ऑल इंडिया रैंक 25, एंड मैं आपको आज बताने वाला हूं कि कैसे आप एग्जाम से पहले पॉजिटिविटी मेंटेन कर सकते हैं। मैं खुद इस चीज से गुजरा हुआ हूं और मैं इस चीज को बखूबी समझता हूं कि यार जब एग्जाम आने वाला होता है तो हमें बहुत ज्यादा घबराहट हो जाती है। जिस एग्जाम के लिए हम एक साल दो साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब 7 दिन एग्जाम को रह गए हैं, तो बहुत ज्यादा घबराहट हो सकती है, बहुत ज्यादा नर्वसनेस आ सकती है। बट उसको कैसे डील मैंने अपने टाइम पर किया और वही मैं टिप्स आपसे शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था और मेरे एग्जाम से 7 दिन पहले रह गए थे, तो मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे माइंड में पॉजिटिविटी बनी रही, वही टिप्स मैं आज से आपको शेयर करने वाला हूँ इस सेशन में। तो बने रहिए इस सेशन में, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर वन टिप, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। सर ये कैसे पॉसिबल होगा कि टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है? देखो, आपको सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है। नंबर वन, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, यानी कि यार जो होगा आप देख ही जाएगी। अब एक साल से जो मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, अब ये मत सोचो कि अरे यार वो पढ़ लेता या और थोड़ा सा वो कर लेता, और थोड़ा सा वो कर लेता, मत सोचो इनके बारे में। ये सब ओवरथिंकिंग का नतीजा है, ओवरथिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है। तो नंबर वन टिप यही है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। बस आप अपने कर्म पे ध्यान दो कि यार जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ अब आने वाले 7 दिन में, वो मेरे काम आने वाला है। जो बीत गया उसके ऊपर मत ध्यान दो, जो फ्यूचर में आने वाला है कि रिजल्ट क्या होगा, पेपर कैसा होगा, मत सोचो, अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो, बिल्कुल टेंशन को माइंड में मत आने दो। ये ओवर थिंकिंग जो क्वेश्चन है ना कि यार क्या होने वाला है, कल क्या होगा, मैंने पहले क्यों नहीं पढ़ा ये चीजें, क्या मैंने और मुझे इस टीचर से पढ़ना चाहिए था क्या, मत सोचो, पढ़ो जो अब हो गया है, जो अब 7 डेज है उससे पढ़ो, ठीक है। नंबर टू, सर पढ़ना कैसे, इसके बारे में बताएं कि सर इस टाइम पर जो एग्जाम के 7-8 दिन एग्जाम के रह गए हैं, इसमें क्या करूं मैं ऐसा कि मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाऊं आने वाले 7 दिनों में जो मेरे पास रह गए। नंबर वन, जो आपने नोट्स बनाए हैं उन्हीं को पढ़ो, सिर्फ जो आपने सेल्फ नोट्स बनाए हैं वही उन्हीं को पढ़ो, ना अपने किसी दोस्त के नोट्स पढ़ो, जो आपने खुद से अपने हैंडराइटिंग से बनाए हैं उन्हीं को अपने नोट्स को पढ़ो इस टाइम पर। सेकेंड चीज, फॉर्मूला नोट्स आपको बहुत काम करेंगे। जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, जो फॉर्मूला नोटबुक्स होती हैं जिनमें सिर्फ फॉर्मूलाज होते हैं, उनको इस टाइम पर पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों? क्योंकि हमने देखा है इंडिया में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऐसे हैं जिसमें सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब आप समझ लीजिए 100 में से 60% क्वेश्चन भी आपको फॉर्मूला बेस्ड मिल सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आप ऑलरेडी 1 स्टेप प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला रिवीजन जरूर करना है आपको। थर्ड, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है इस टाइम पर। जितना भी टाइम आपके पास है फॉर्मूला पढ़ो, नोट्स पढ़ो, और उसके बाद जो टाइम बचा है क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रायोरिटी दो, बिकॉज ट्रेंड के हिसाब से पेपर चलते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रायोरिटी दो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे कर लिए हैं तो प्रैक्टिस करो बाकी क्वेश्चंस की। नंबर फोर, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट जरूर दिया करना, क्योंकि उससे आपको जो है प्रिपरेशन का लेवल पता लगता है कि आपकी प्रिपरेशन का क्या लेवल है। तो इतने भी नहीं कि रोज एक मॉक टेस्ट दे रहे हो, ये भी इसमें मैं बिलीव नहीं करता हूँ। मॉक टेस्ट दे दो, हफ्ते में 2 या 3 दो, इससे ज्यादा मत दो, ठीक है। मैक्सिमम टाइम स्टडी, पॉइंट नंबर 5, इस टाइम पर जितना ज्यादा आप टाइम देख सको भाई, 12 से 12 घंटे 12-14 घंटे आपको अब पढ़ाई में देना चाहिए। 7 दिन रह गए हैं आपके पेपर को, आपको पता है कि यार मैं एक साल से इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अगर आप 7 दिन अगर आप ठंडे पड़ गए तो भाई बड़ा नुकसान हो सकता है आपका। तो अब इस टाइम जोरों से जितना ज्यादा आप टाइम दे सको, मैं ये नहीं कह रहा कि 12 घंटे इज द लिमिट, 8 घंटे इज द लिमिट, जितना आप टाइम आपसे निकल पाए, बस आपके दिमाग में इस टाइम एग्जाम ही चलना चाहिए और कुछ नहीं, कि यार मेरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए मुझे पढ़ना है, दैट्स ऑल। जितना ज्यादा मैं टाइम दे सकूं उतनी अच्छी बात होगी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, मैंने आपको बता दिया पॉजिटिविटी इंपॉर्टेंट है, कैसे आपको टेंशन फ्री रहना है। सेकेंड चीज आपको बता दिया कि क्या पढ़ना है। थर्ड चीज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, किसी और को बिल्कुल मत देखो इस टाइम, ठीक है। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीबॉडी एल्स, यार उसकी तो प्रिपरेशन ऐसी चल रही है, उसके तो मॉक टेस्ट में इतने मार्क्स आ रहे हैं, उसने तो सारे पीवाई क्यों लगा लिए हैं। मत देखो किसी और को भी, तुम अपने आप पर बिलीव करो। जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, बस अपने आप को देखो अब इस टाइम पर, और आपने कैसे प्रिपरेशन कर लिया है और आप क्या करना चाहते हो आने वाले 7 दिनों में, वो मैंने आपको बता दिया है, वो फॉलो कर लो, ठीक है। और कुछ मत सोचो, किसी और को मत कंपेयर करो कि यार वो तो इतने मॉक टेस्ट दे रहा है, वो तो 1 शॉट रिवीजन क्लासेस कर रहा है, वो तो ये क्लासेस कर रहा है, वो तो वो प्रैक्टिस क्लासेस कर रहा है। मत सोचो, मत कंपेयर करो किसी को भी अपने आप से। यू आर द बेस्ट, अगर आप आपके अंदर दम होगा तो जरूर आप खुद से निकाल लोगे, किसी की गाइडेंस की आपको भी जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? किसी से आपको आप कम नहीं हो, आप अपने आप में हीरो आदमी हो, आप किसी और से अपने आप को कंपेयर मत करो।
मेरा तो इतना ही मानना है। भाड़ में जाए वो जैसा मर्जी कर रहा है, मैं अपने आप में हीरो हूं, मैं अपने आप में इस एग्जाम को क्रैक करके दिखाऊंगा। अपनी बात है, साफ सी बात है यार, दूसरे से कोई कंपैरिजन मत रखना बिल्कुल, ठीक है, सिंपल सी फंडा है। हाँ, आपका अगर मन करता है कि यार वो बात अगर कुछ कह रहा है, अगर आपका भी मन करता है कि हाँ यार मैं इसको ऐसा कर लेना चाहिए, सही बात कर रहा है, फिर तो आप अपना लो। मतलब अगर आपका मन मानना चाहिए कि यार ये क्लासेस मेरा भी मन करता है तो मैं लूँ, ऐसे नहीं जबरदस्ती भटक रहे हो कि उसके कहने पे ले लो, मन करता है तो ले लो, नहीं करता है तो मत लो, जो मन कर रहा है वो पढ़ो इस टाइम पर, लेकिन कन्फ्यूजन में मत रहो, टेंशन में मत रहो। बस पॉजिटिव एटीट्यूड बनाने का यही तरीका है कि अपने माइंड में पॉजिटिविटी रखो, दूसरी तरफ से नेगेटिविटी को भगा दो, दूसरे से कंपेयर ही मत करो यार, तुम अपने आप में हीरो आदमी हो, दूसरे से क्या कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट, एग्जाम हॉल में आपका क्या बिहेवियर रहना चाहिए, इसके बारे में मैं एक पॉइंट बताना चाहूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा जब मेरी ऑल इंडिया रैंक 25 आई। तो डू नॉट एक्सपेक्ट टू मच, एग्जाम में जाओ ये मत सोचना कि अरे आज इस पेपर को फाड़ दूंगा मैं, ऑल इंडिया रैंक 1 ले आऊंगा आज मैं, मत सोचो। मैं मानता हूं ये ख्याल आते हैं, जो भी प्रिपेयर, मैंने भी प्रिपरेशन किया था, मेरे मन में भी ये ख्याल था कि यार ऑल इंडिया रैंक 1 क्यों नहीं ला सकता मैं, लेकिन एग्जाम हॉल में जाके रियलिटी में बैठना कि भाई मुझे 60 मार्क्स चाहिए आईआईटी क्रैक करने के लिए, 60% अगर मेरे मार्क्स आ जाते हैं तो मैं आईआईटी में पहुंच जाऊंगा, बात खत्म, इससे ऊपर मत सोचो, ठीक है। उससे जितना भी ज्यादा सोचोगे वो सब बर्डन आपके ऊपर लेके आएगा, तो बर्डन हमें बिल्कुल भी नहीं लाना है अपने ऊपर, ठीक है। डो नॉट एक्सपेक्ट टू मच इन द एग्जाम, बस इतना सोचना कि यार मेरे 60 मार्क्स आ जाएंगे या 50 मार्क्स आ जाएंगे, मुझे आईआईटी मिल जाएगा, मुझे पहले इतना करना है, ठीक है। अगर मैं इतना कर लूंगा तभी तो टॉपर बनूंगा, तो टॉपर बनने का लोड दिमाग में मत लेके जाना, बस दिमाग में इतना लेके जाना कि भाई मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, मुझे अपनी किसी भी आईआईटी में सीट रिजर्व करनी है, लो जी हो गया, 50-60 मार्क्स का करना है शानू भाई, आराम से तसल्ली से कर देना, हो जाएगा काम। मैंने तो अपने आप से ऐसे ही बात करी थी, मैं एग्जाम हॉल में गया, मैं कहा शानू भाई ज्यादा टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, अपन को 60 मार्क्स लाने हैं, आईआईटी में पहुंचना है, बहुत है। 50 मार्क्स उस टाइम में सोच रहा था कि यार 50 मार्क्स भी आ गए शानू, आईआईटी पहुंच गए, बस बात खत्म यार, टॉपर बने ना बने बात खत्म, सभी आईआईटी में सिलेबस सेम चल रहा है, इतना माइंडसेट ले गया। जब एग्जाम हॉल में बैठा, जब एक सवा घंटा हो गया, आराम से उठा मैं, वॉक करके आया, पानी पी के आया, पूरे 5 मिनट मैंने वेस्ट करे, 5 या 3-4 मिनट होंगे शायद, पूरे आराम से मैंने वॉक की, पानी पिया, वॉशरूम गया, रिलैक्स हुआ, यार अब मैंने अच्छा पोर्शन कर दिया है तो लेट मी रिवॉर्ड माई सेल्फ। हाँ भाई, मैंने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया था 1.5 घंटे के अंदर, फिर मैं वॉशरूम गया, आराम से रिलैक्स करके आया, मैं कहा चलो अब वाकई फोकस करते, आ जाओ, आधा काम अपना हो गया, आधा और रहता है, तो देखो टेंशन नहीं ली तो भाई 100 में से 76 समथिंग मार्क्स आए थे और ऑल इंडिया रैंक 25 आ गए। तो टेंशन नहीं लेनी है, रिलैक्स रहना है बिल्कुल, कि यार जो होगा देखी जाएगी, अपने को इतने से मार्क्स लाने हैं, कुल मिला के बात करते, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। इतनी सी यार बात थी, थोड़ी सी लंबी हो गई हो तो माफी चाहूंगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज आने वाले टाइम में आपको शायद ये चैनल आपको हेल्प कर दे। तो मिलते हैं आपको, सी यू, टाटा, बाय बाय।